सिंदूर मांग में दो चुपके सिंदूर। अगर तेरे अंगूठे के निशान की जरूरत नहीं होती तो हम तुझे कभी नहीं बचाते सिद्धि। विनायक की प्रॉपर्टी पर साइन लेने का और कोई तरीका नहीं था हमारे पास। ये प्रॉपर्टी बेचकर ही तो पैसे आएंगे, उसके बाद विनायक के साथ हम इस देश के बाहर आराम से रहेंगे। इस कमरे में कैसे, कौन लेके आया होगा हमें? वो तो भला हो पुलिस वालों का जिन्होंने हमें सिद्धि की अस्थियां दे दी, वरना हम तो हमारे घर की बहू की अस्थियां भी ठीक से प्रवाह नहीं कर पाते। अपने आंसुओं को खुद पोंछना सीख लिया हम। अब हम वो सिद्धि नहीं जो अपने साथ कुछ भी गलत होते हुए चुपचाप देखती थी और सब कुछ सह लेती थी। ये नई सिद्धि इंसान को उसी की भाषा में जवाब देना जानती है। जजमान जी, ये गुलाल।
हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये बदतमीजी करने की? सिद्धि जिंदा है और उसके होते हुए उसके नाम पे मातम कैसे मनाने दे सकते हम अपने ससुराल वालों को? जो इंसान आपके सामने सही सलामत खड़े उसका अस्थि विसर्जन कैसे कर सकते हैं? बंद करो अपना ये तमाशा और निकल जाओ यहाँ से। क्या बना है? इतना भी नहीं समझते कि घर की मालकिन को घर से दफा होने के लिए नहीं कहा जा सकता? और ये क्या मातम मना रहे हैं आप लोग? सर आपने कपड़ों पे नजर तो डाली? जब हम पहली बार इस घर में बहू बनकर आए थे तब भी हमारा स्वागत सबने ऐसे ही सफेद कपड़े पहन के मातम मनाते हुए किया था। लेकिन उस वक्त ना तो हम कुछ कह पाए थे ना कर पाए थे, क्योंकि उस वक्त हम भोले थे, सीधे थे। घर की संस्कारी बहू के गुण अपना के इस घर में जगह बनाना चाहते थे। लेकिन आज हमने आप सबके सफेद कपड़ों में सिंदूर डालकर उसे सिंदूरी कर दी, क्योंकि आज की सिद्धि ने अपने अधिकार के लिए लड़ना और उसकी रक्षा करना सीख ली। खड़े क्या हैं? लीजिए गुलाल और बंद करो अपना ये तमाशा। तुम मेरी सिद्धि नहीं हो और ना कभी बन सकती हो। कमाल है ना विनय, जिस सच को मानने से आप इनकार कर रहे आज कान्हा जी ने उसी सच को सबके सामने साबित कर दिया। हम इतना तो जानते हैं कि ये अस्थियां हमारी नहीं, लेकिन किसी ना किसी की तो जरूर होंगी। अब हम इस बात के तय तक पहुंचेंगे और ये पता करके रहेंगे कि अस्थियां किसकी। हम अस्पताल से सच्चाई पता करेंगे और माया के झूठ के जाल को काट के रहेंगे और सच के सामने आते हम यह अस्थियां उस परिवार को दे देंगे, ताकि वो पूरे विधि विधान के साथ इन अस्थियों का अस्थि विसर्जन कर सके। हम जानते हैं विनय, आज आप हम पे यकीन नहीं कर पा रहे, लेकिन आपको हम पे यकीन करना होगा विनय, यकीन करना होगा कि हम ही आपकी सिद्धि रंगीली ने। ये विनायक के प्रॉपर्टी के पेपर्स है, ये सिद्धि के अंगूठी के निशान। अब आप विनायक के प्रॉपर्टी के मालिक हो।
अब आप इसे आराम से घर जाके पढ़ लीजिएगा, हमें हमारा गिफ्ट दे दीजिए। ये रही आपकी अमानत। थैंक यू। ओके। संभाल के मैडम आया। वो कहते हैं ना, जब बोझ ज्यादा हो जाए तो उसे पाट लेना चाहिए। मतलब ये कि इस दौलत में मेरा भी आधा हिस्सा है, तो तुम अकेले कैसे ले सकती हो सारा पैसा? किस बात का हिस्सा, बोल क्या रहे हो तुम? मैं ये बोल रहा हूँ कि 50% पार्टनर मैं भी हूँ। आफ्टर ऑल इतनी मेहनत की है मैंने तुम्हारे लिए। आधा हिस्सा? पागल वागल हो गए हो क्या तुम? तुम्हारे कामों के पैसे मैंने तुम्हें दे दिए, इसमें से कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। पागल तुम हो गई हो क्या? तुम्हें मालूम है ना मैंने अपनी जान रिस्क में डाली है तुम्हारे लिए। तो आधा आधा हक तो बनता है ना। माया को माया की तरह बर्ताव करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। लगता है तुम अभी तक ठीक से जान नहीं पाए हो हमें। जब माया अपनी सौतेली बहन की नहीं हुई तो तुम्हारी क्या होगी? एक फुटी कौड़ी भी नहीं देने वाले हम तुझे। इन पैसों से हम विनायक के साथ बाहर जाएंगे और अपनी जिंदगी बसाएंगे। ये लाइट्स किसने ऑफ कर दी? तुम यहां क्या कर रही हो? तेरी गुनाहों पर नजर रख रहे थे, हमें तेरा सच पता चल गया। इसे कैसे पता चल गया हमारे प्लान के बारे में? तेरा सच कैसे पता चला, यही सोच रही है ना तू? घर की मालकिन है ये घर, और इस घर में रहने वालों की हरकतों पे नजर रहती है हमारी। हमने सुना कि तूने शाम की चाय नहीं बनाई, और चाय ना पीने की वजह से हमारे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अब जल्दी से जा और बढ़िया सी अदरक और इलायची वाली चाय बना के ला। आहें भरने का वक्त नहीं है, जल्दी जा और चाय बना के ला। भूल मत घर की मालकिन है और हमारा हुक्म तो मानना होगा। जा। अब हाँ, तुम अपने कमरे में जाओ, हम वहीं चाय बना के लेके आते हैं। क्यों, इस कमरे में चाय नहीं पी सकते क्या? एक मिनट, तू हमें इस कमरे से बाहर क्यों भेजना चाहती है? कोई कांड किया तूने? क्या छुपा रही हमसे, बता। नहीं नहीं नहीं, हम क्या छुपाएंगे, और वैसे भी तुझे तो सब पता ही, मेरा सब कुछ तेरे पास ही तो है। ये तो बिल्कुल सही बात बोली तूने। वैसे एक बात तो है, मालकिन बनने का ना मजा ही अलग है, जो चाहो वही होता है। अब जा, चाय बना के ला, आज हम इसी कमरे में बैठ के चाय पीके। जा। जल्दी से चाय लाके इसके मुंह पे मारते हैं ताकि ये यहां से जाए और हम अपना काम कर सके।
जा। बचपन से तुझे जानते हैं, बस अनदेखा क्या है तेरी हरकतों को। इस बैग को तो हमने पहले ही देख लिया था, बस तुझे पता नहीं लगने दिया। कितना भारी है ये बैग, पता नहीं क्या रखा है इसमें। हम भी देखते हैं आज हमारी बहन क्या कांड करने जा रही थी। क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है इस लॉक का? मतलब कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं आप हमारे पास आने का। हमारे बिना रहना आया नहीं ना अभी तक आपको। एक्सक्यूज मी, बहाना नहीं, हेल्प है। और वैसे तुम ये माया का बैग खोलने की कोशिश क्यों कर रही थी? लालच खत्म नहीं होना तुम्हारा अभी तक। लालची नहीं है, समझा? और हम कुछ भी करें आपसे मतलब? अच्छा, मुझसे मतलब नहीं है। नहीं, आप हमारे हैं कौन? वो सब छोड़ो, ये बताओ इस बैग में ऐसा है क्या कि तुम ऐसे खोल के देख रही थी इसे? जो भी, आप जाइए यहाँ से। अब तो मुझे देखना है क्या है इस बैग में। नहीं दिखाएंगे। अब तो मुझे देखना है। नहीं, हम नहीं दिखाएंगे। आप नहीं देख सकते विनायक। नहीं विनायक, हमारी बात सुनिए, आप नहीं देख सकते। सावन भी तू, फागुन भी तू, पाकर तुझे दुगना जीऊं। मेरा मन है मेरा गुरूर, दो चुटकी सिंदूर शगुन का। कहाँ जा रहे हैं आप? दो चुटकी। कभी कभार तो मौका मिलता है आपके करीब आने का। छोड़ो मुझे। पत्नी हम आपके विनायक, हम आपके पास नहीं रहेंगे तो फिर कहाँ रहेंगे? आप ही हैं जो हमसे दूर होते रहते हैं। पत्नी नहीं हो तुम मेरी, और तुम कभी सिद्धि बन भी नहीं सकती। सिद्धि और तुम में जमीन आसमान का फर्क है। वो तुम्हारी तरह लालची, झूठी और मक्कार नहीं थी। झूठे और लालची नहीं है विनय, बस हम सच को देख नहीं पा रहे। हम आपकी सिद्धि और ये बात हम आपके सामने साबित करके रहेंगे। जानते हैं आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, और हम अपने प्यार को ना खोने देंगे ना कम होने देंगे। हम माया का असली चेहरा सबके सामने ला कर रहेंगे, और आपको अपने प्यार को जीतते रहेंगे। बस एक बार हम विनायक को लेके यहाँ से निकल जाए, फिर देख सिद्धि हम तेरा क्या हाल करते हैं। बहुत चालाक समझती है खुद को। किसकी बात कर रही हो माया? कौन खुद को बहुत चालाक समझता है? वो सिद्धि नहीं, वो रंगीली। इट्स ओके माया, मैं जानता हूँ उस रंगीली ने तुम्हें बहुत परेशान किया। चालाक तो है वो, और ये देखो वो क्या कर रही थी, बैग लेके भागने की कोशिश कर रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैं सही वक्त पे आ गया और मैंने इसे पकड़ लिया और ये बैग वापस लिया। थैंक यू विनायक, आप कितने अच्छे हैं। माया, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा मुझसे दूर आकर,
आपकी इसी अदा से तो प्यार है हमें, हद से ज्यादा प्यार। कितनी अच्छी किस्मत है ना हमारी, हमेशा सही वक्त पर काम आ जाते हैं आप हमारे। बस एक बार हम आपको लेकर इस देश को छोड़कर निकल जाएं, उसके बाद हम आपको इतना प्यार देंगे कि आप हमेशा के लिए उस स्थिति को भूल जाएंगे। यहाँ तो हमेशा हमारे पीछे ही पड़ी रहती है वो। अब हमारा दिल आप पर आ ही गया तो आपको पाकर ही रहेंगे। अरे वाह, टिकट्स भी हो गए। अब हम कल सुबह विनायक को लेकर इस देश को छोड़कर चले जाएंगे, उस सिद्धि से बहुत दूर जहां वो कभी नहीं पहुंच पाएगी। अब हम इस दवाई से विनायक को बेहोश करेंगे और उसके बाद उनकी आंखें सीधा दूसरे देश में ही खुलेंगी और वहां हम दोनों मिलकर अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे जहां सिद्धि कभी नहीं पहुंच पाएगी। कल के बाद विनायक पर बस हमारा हक होगा, बस हम और विनायक। हेलो डॉक्टर, हमने जो अस्थियां जांच के लिए भिजवाई थी उसके रिपोर्ट्स कब तक आएंगे? देखिए जल्दी भिजवाइए, हमारे पास वक्त नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, कल सुबह तक आपको रिपोर्ट और बाकी की इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। बस एक बार उन अस्थियों की जांच की रिपोर्ट आ जाए उसके बाद तेरा काला सच सबके सामने आ जाएगा भाई, और फिर विनायक सिर्फ हमारे होंगे। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.